एंड केप्ट ऑन हिज वे। सैल्मन उठा और उसने बोला कि नेबर तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो, लेकिन उसके नेबर ने पीछे नहीं देखा और वो अपने रास्ते पर चलता गया। हाउएवर दे डिड नॉट क्वारल, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी, लेकिन फिर से वो मिले और फिर से उन्होंने सेम टॉपिक्स पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ डू वी हैव हियर, वी आर पुअर मैन इन अ हर्ट, व्हाट पे डू यू गेट, आस्क्ड वैसिली। वैसिली ने पूछा कि तुम किस तरीके की लाइफ जीते हो, तुम भी एक पुअर मैन हो जो हर्ट में रहते हो, और तुम्हें यहाँ पर कितने पैसे मिलते हैं। वैसिली रिप्लाइड, नॉट मच वैसिली, 12 रुबल्स। लार्को ने रिप्लाई किया कि ज़्यादा नहीं, 12 रुबल्स मिलते हैं। एंड आई 13.5 रुबल्स। वाई, बाय द रेगुलेशन द कंपनी शुड गिव अस 15 रुबल्स अ मंथ, हु डिसाइड्स दैट यू शुड हैव 12 रुबल्स और आई 13.5। आस्क योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ पोर्शन ऑफ 1.5 रुबल्स और 3 रुबल्स। इवन इफ दे पेड अस द होल 15 रुबल्स, आई शेल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग, आई शेल गो समवेयर एनीवेयर, फॉलो माई नोज। वैसिली ने बोला कि और मुझे 13.5 रुबल्स मिलते हैं, ऐसा क्यों, कंपनी के रेगुलेशन से हमें 15 रुबल्स मिलने चाहिए एक मंथ के, कौन डिसाइड करता है कि तुम्हें 12 रुबल्स मिलेंगे और मुझे 13.5। तुम खुद से ये क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन यह है कि ये क्वेश्चन 1.5 रुबल्स का नहीं है, लेकिन यह है कि वो हमें पूरे 15 रुबल्स क्यों नहीं देते। तुम ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुक पाऊँगा और मैं कहीं और चला जाऊँगा, मैं अपने आई विल फॉलो माई नोज। फॉलो माई नोज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं अपने अकॉर्डिंग वर्क करूँगा। बट वेयर विल यू गो वैसिली, हेयर यू हैव अ हाउस, वार्म्थ, लिटिल पीस ऑफ लैंड, योर वाइफ इज़ अ वर्कर। तो यहाँ पर लार्को बोलते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, यहाँ पर तुम्हारे पास घर है, वार्म्थ है, लैंड का पीस है, और तुम्हारी वाइफ एक वर्कर भी है। लैंड, यू शुड लुक एट माई पीस ऑफ लैंड, नॉट अ ट्विंग ऑन इट, नथिंग, आई प्लांटेड सम कैबेजेस इन द स्प्रिंग, जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलॉन्ग ही सेड, व्हाट इज दिस, व्हाट, व्हाई हैव यू नॉट रिपोर्टेड दिस, व्हाई हैव यू डन दिस विदाउट परमिशन, डिग दैम अप, रूट दैम ऑल। तो यहाँ पर वैसली बोलते हैं कि लैंड, वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर मेरी लैंड पर एक ट्विंग भी नहीं है, मतलब एक भी पौधा नहीं है, मैंने कुछ कैबेजेस लगाई थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राउंड पर आए और उन्होंने उनको उन पर गुस्सा किया कि तुमने इसके बारे में बिना परमिशन से, मुझे बिना रिपोर्ट किए कैसे लगा दिए कैबेजेस, और उन सबको निकालो। यू आर हॉट टेम्पर्ड, तो यहाँ पर लार्को बोलते हैं कि तुम हॉट टेम्पर्ड हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। नो आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड, बट टेल द ट्रूथ, आई विल कंप्लेन टू द चीफ, वी विल सी देम देन। तो वो बोलते हैं वैसली कि नहीं, मैं हॉट टेम्पर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चीफ से कंप्लेन करूँगा और मैं उन्हें देख लूँगा। द चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन वन डे, 3 डेज लेटर, इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस वर कमिंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग एंड वुड पास ओवर द लाइन, इट वॉज नेसेसरी टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, द बेड वॉज लेवल्ड, द स्लीपर्स केयरफुली एग्जामाइंड, स्पाइक्स ड्राइवन इन अ बिट, नट स्क्रूड अप, पोस्ट पेंटेड एंड ऑर्डर्स गिवन फॉर येलो सेंट टू स्प्रिंकल्ड एट लोअर लेवल क्रॉसिंग्स। सैमन एंड वैसली वर्क हार्ड फॉर whole week. The chief arrived on a trolley, 4 men working the handles and levers making 6 wheels run. It reached Simon's hut and he ran out and reported in solidarity fashion. चीफ जो थे वो एक दिन इंस्पेक्ट करने आए, 3 दिन बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग से जो कि लाइन को पास करने वाले थे, तो नेसेसरी था कि सब कुछ अच्छे से अच्छे ऑर्डर में हो। पैड को लेवल किया गया, स्लीपर्स के रूम्स को केयरफुली एग्जामाइन किया गया, नर्ट्स में, हर्ट्स में सब कुछ है, पेंटेड है, येलो सैंड को स्प्रिंकल किया गया लेवल क्रॉसिंग्स पे, और सैमन और वैसली ने पूरी वीक तक बहुत अच्छे से काम किया। चीफ जब ट्रॉली पर आए तो 4 लोग जो थे वो हैंडल्स और लेवर्स मेकिंग और 6 व्हील्स हम में काम में लगे हुए थे। जब वो सैमन्स की हट में पहुंचे तो सीनियरली ऑर्डर में सोल्डरली फैशन में वो बाहर आए और उन्होंने पूछा, हैव यू बीन हियर अलॉन्ग, इंक्वायर्ड द चीफ, तुम कितने टाइम से यहाँ पर हो, चीफ ने इंक्वायर किया, सिंस द 2nd of May योर एक्सलेंसी। तो यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं 2nd May से यहाँ पर हूँ, सैमन ने। ऑल राइट, हु इज़ एट हट नंबर 164 पे कौन है, द ट्रैफिक इंस्पेक्टर हु वॉज ट्रेवलिंग द चीफ, रिप्लाइड वैसिली स्टेफ्रेंच। तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे जो चीफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बोला वैसिली स्टेफ्रेंच, मेक एन स्टेफ्रेंच इज़ द मैन अगेंस्ट हुम यू मैडन नॉट लास्ट ईयर, क्या वही इंसान है जिसके लिए तुमने कंप्लेन की थी लास्ट ईयर, ही इज़, रिप्लाइड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने बोला हाँ वही है। वेल वी विल सी वैसिली स्टेफ्रेंच गो ऑन, तो उन्होंने बोला कि हम वैसिली से मिलेंगे, चलो चलते हैं। सैमियन वॉच देम गो एंड थॉट देर विल बी ट्रबल बिटवीन देम एंड माई नेबर, और जब सैमियन ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि उनके बीच में ट्रबल हो सकती है और उनके नेबर के बीच में।
About 2 hours later, he started on his round. He saw someone coming along the line. It was Vasily. He had a stick in his hand and a small bundle on his shoulder, and his stick was bound up in a handkerchief. 2 hours later, जब वो अपने राउंड पर निकले सैमियन, तो उन्होंने देखा कि कोई स्टिक के साथ में आ रहा है. वो Vasily था. उसके हाथ में एक स्टिक थी, शोल्डर पर एक बंडल था, और उनके चिक जो थे वो एक हैंकरचिप से बंधे हुए थे. वेयर आर यू ऑफ टू, क्राइड सैमियन. सैमियन ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो. Vasily कम क्वाइट क्लोज. ही वॉज वेरी पेल, वाइट एज चाक, एंड हिज आइज हैड अ वाइल्ड लुक, ऑलमोस्ट चॉकिंग. एंड ही मटर्ड, टू टाउन, टू मॉस्को, टू द हेड ऑफिस. Vasily पास में आए. उनका फेस जो था वो बहुत पेल हो चुका था, और जब सैमियन ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं टाउन, मॉस्को, हेड ऑफिस, सब जगह जा रहा हूँ. हेड ऑफिस, आई यू आर गोइंग टू कंपनी इन, आई सपोज, गिव इट अप. Vasily स्टेपिन, फॉरगेट इट. उन्होंने बोला, हेड ऑफिस क्यों जा रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम कंप्लेन करने जा रहे हो, तुम इसे भूल जाओ. नो मेट, आई विल नॉट फॉरगेट. ही स्ट्रक मी इन द फेस, ड्रू ब्लड. सो लॉन्ग एज आई लिव, आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल नॉट लिव इट लाइक दिस. नहीं, ऐसा मैं नहीं भूल सकता इस चीज़ को. उन्होंने मुझे फेस पर मारा, मेरे फेस से ब्लड निकल रहा है, और जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं इस चीज़ को नहीं भूलूँगा. मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता. सैमियन लुक टुक हिज हैंड. गिव इट अप स्टेफिंच, यू विल नॉट बेटर थिंग्स. तुम छोड़ दो इसे स्टेफिंच, तुम चीज़ों को सुधार नहीं रहे हो ऐसे करके. बेटर थिंग्स, आई नो आई शैल नॉट बेटर थिंग्स, बट वन मस्ट स्टैंड अप फॉर वंस राइट. तो यहाँ पर Vasily बोलते हैं कि चीज़ें सुधारने की बात नहीं है, मुझे अपने राइट के लिए खड़ा होना चाहिए. बट टेल मी हाउ डिड इट हैपन, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कैसे हुआ. हाउ ही एग्जामाइंड एवरी थिंग, गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रॉली एंड लुकड इन टू द हर्ट. आई न्यू बिफोर हैंड दैट ही वुड बी स्ट्रिक्ट, एंड सो आई put everything into proper order. He was just going when I made my complaint. He immediately cried out, here is a government inquiry coming, and you make a complaint about vegetable garden, and you may annoy me cabbages. I lost patience and said something, and it offended him, and he struck me in the face. Goodbye, Ivanov. तो उन्होंने बोला कैसे वो सब कुछ एग्जामाइन करने ट्रॉली में से नीचे उतरे और हट के अंदर घुसे. मुझे पहले ही पता था कि वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था. फिर वो नीचे गए थे, तब मैंने अपनी कंप्लेन करी, और इमीजिएटली ही क्राइड आउट, मतलब उन्होंने मुझ पर चिल्ला दिया कि तुम्हारी तरफ से गवर्नमेंट इंक्वायरी आ रही है, तुमने एक वेजिटेबल गार्डन बनाया है और तुमने कैबेजेस से मुझे अनॉय किया है. आई लॉस्ट पेशेंस, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कुछ कह दिया, और वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फेस पर मुझे स्ट्रक कर दिया. गुड बाय लेवनोव. श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू वॉक, पक्का तुम चल के तो नहीं जा रहे हो. एट द स्टेशन आई विल ट्राई टू गेट ऑन अ फ्रेट ट्रेन, एंड टुमारो आई शैल बी इन मॉस्को, सेड Vasily एंड लेफ्ट. Vasily ने बोला कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ और मैं एक फ्रेट ट्रेन, मतलब कि जो मालगाड़ी होती है, उसमें चला जाऊँगा और कल मैं मॉस्को पहुँच जाऊँगा. सैमियन हैड लर्न वेल एंड स्टिल अ लेट टू मेक फ्लूट्स आउट ऑफ अ काइंड एंड रीड. ही यूज टू बर्न आउट द हार्ट ऑफ स्टॉक एंड मेक होल्स वेयर नेसेसरी, ड्रिल दैम, फिक्स अ माउथ पीस एट वन एंड एंड ट्यून दैम सो वेल दैट इट वॉज पॉसिबल टू प्ले ऑलमोस्ट एनी एयर ऑन दैम. ही मेड अ नंबर ऑफ दैम इन स्पेयर टाइम एंड सेंड दैम टू बाजार इन द टाउन. सैमियन को अच्छे से फ्लूट्स बनाना याद था, वो अलग अलग तरीके से की रीड्स बना सकता था, और किसी भी तरीके से उनमें से स्टिक्स में से ड्रिल करके होल्स बना सकता था, और उस पर एक माउथ पीस एक एंड पर लगा सकता था. तो किसी भी इंसान के लिए उस फ्लूट को बजाना इजी था, और उसने बहुत सारे अपने स्पेयर टाइम में फ्लूट बनाई हुई थी, और बाज़ार में भी बेचने के लिए उन्होंने स्पेयर टाइम में बनाई हुई थी. वन डे ही स्टार्टेड ऑफ टू द फॉरेस्ट, बट अबाउट हाफ अ किलोमीटर अवे देयर वॉज अ बिग मार्श अराउंड विच स्प्लेंडेड रीड्स फॉर फ्लूट्स ग्रू. ही कट अ होल बंडल ऑफ स्टॉक्स एंड स्टार्टेड बैक home. As he walked along rapidly, he heard the clang of iron striking iron, and he rebounded his pace. There was no repair going on in this section. What did it mean? He emerged from the woods. The railway embankment stood high before him. On the top, a man was squatting on a band of line, busily engaged in something. एक दिन जब वो फॉरेस्ट के लिए निकल रहे थे, तो कुछ किलोमीटर दूर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा मार्श था. वहाँ पर एक बहुत सारी फ्लूट्स की रीड्स थी. रीड्स मतलब लकड़ियाँ थी. रीड्स मतलब ऐसे घास के पेड़ थे जिनमें से वो फ्लूट्स बना सकते थे. तो उन्होंने पूरा बंडल वहाँ से काट लिया ताकि वो फ्लूट्स बना सकें, और जैसे ही वो जल्दी से वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने एक आयरन स्ट्राइकिंग आयरन, मतलब कि लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ सुनी. वो वहीं पर घबरा गए, और उन्होंने सोचा कि इस सेक्शन में कोई भी रिपेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है. जब वो फॉरेस्ट में से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि रेलवे का जो एम्बैंकमेंट है वो उनके सामने ही था. एम्बैंकमेंट मतलब रेलवे ट्रैक उनके सामने ही था, और उसके
के टॉप पर एक इंसान था जो कि लाइन के बैट को, मतलब जो रेलवे ट्रैक था उसमें कुछ करने में इंगेज था, मतलब कि बिजी था, उस पर कुछ कर रहा था। सेमियन थॉट इट वॉज समवन आफ्टर द नट्स विच सिक्योर द रेल्स। ही वॉच द मैन एंड गॉट अप होल्डिंग अ क्रोबार इन हिज हैंड। ही हैड लूजन्ड अ रेल सो दैट इट वुड मूव ऑन वन साइड। इट वॉज वैसिली। सेमियन स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक एज वैसिली विथ क्रोबार एंड ब्रांच स्लिड हेड लॉन्ग डाउन द अदर साइड। सैम्यन ने सोचा कि ये कोई और है नट्स के साथ जो रेल्स को सिक्योर कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो और वो इंसान उठा तो उसके हाथ में एक क्रोबार था जो कि नट्स वगैरह लूज़ करने के काम आता है। उन्होंने एक रेल का जो ट्रैक था वो लूज़ कर दिया था ताकि वो दूसरी साइड पर मुड़ जाए। ये वैसिली था। स्क्रैम्बल ने जल्दी से उस बैंक पर गया, मतलब कि उस ट्रैक पर गया और वैसिली को क्रोबार के साथ देखा। उससे वो क्रोबार छीन लिया और उसको दूसरी साइड कर दिया। वैसिली स्टेपेंच, माई डियर फ्रेंड कम बैक, गिव मी द क्रोबार, वी विल पुट द रेल बैक, नो वन विल नो, कम बैक, सेव योर सेल फ्रॉम सोल फ्रॉम सिन। वो अब उनको बोलने लगा, माई डियर फ्रेंड क्रोबार को छोड़ दो, मुझे क्रोबार दे दो, हम वापस रेल को रेल ट्रैक को वापस वैसे ही कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम अपने आप को बचाओ। वैसिली डिड नॉट लुक बैक बट डिसअपियर्ड इन टू द वुड्स। वैसिली वापस चले गया और वो फॉरेस्ट के अंदर वापस चला गया। स्टैम्पिन स्टूड बिफोर द रेल विच हैड टॉर्न अप। अ रेल वॉज ड्यू नॉट अ फ्रेट बट अ पैसेंजर ट्रेन एंड ही हैड नथिंग विच टू स्टॉप इट। नो फ्लैग, ही कुड नॉट रिप्लेस द रेल एंड कुड नॉट ड्राइव इन द स्पाइक्स एंड हिज बेयर हैंड्स। ही वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन द हर्ट फ्रॉम सम टूल्स। गुड गॉड हेल्प मी, ही मर्मर्ड। सैम्यन को याद आया कि उसके हाथ में कोई भी नट्स, कोई भी क्रोबार नहीं है, जो कि वैसिली लेकर भाग चुका था। और उसे याद आया कि ये एक मालगाड़ी नहीं है, एक पैसेंजर ट्रेन है, उसे उस ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा। उसके पास न फ्लैग है, कुछ भी नहीं है, और उसे वापस से हर्ट में जाकर सारे टूल्स लेकर आने पड़ेंगे। और उसने मर्मर किया, गॉड हेल्प मी। सैम्यन स्टार्टेड रनिंग व्हेन ही हर्ड द डिस्टेंस हूटर ऑफ फैक्ट्री साउंड। 6 o'clock इन 2 minutes एंड नंबर सेन ट्रेन वॉज ड्यू। ओ लॉर्ड हैव पिटी ऑन इनोसेंट सोल्स। सैम्यन दौड़ने लगा लेकिन फिर से उसे एक हूटर की आवाज़ आई कि 6 बज चुके हैं, 2 मिनट के टाइम में नंबर 7 ट्रेन आने वाली है। और फिर वो प्रे करने लग गई कि ओ गॉड इन सोल्स पे पिटी करना, मतलब रहम करना। इन हिज माइंड सैम्यन सॉ द इंजन स्ट्राइक अगेंस्ट द लूजन रेल, शिवर, टियर अप एंड स्प्लिंटर एंड द स्लीपर्स एंड जस्ट देयर वॉज एन embankment 70 feet high down which the engine would topple and the third class carriages would be packed. Little children all sitting in the train now never dream of danger. Oh lord tell me what to do. अपने mind में सैम्यन ने सब कुछ imagine कर लिया था कि लूजन रेल की तरफ, रेल ट्रैक की तरफ ट्रेन आ रही है और सारे स्लीपर्स जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, कैरिजेस सबके पैक पड़े हुए हैं, उन सब की लाइफ डेंजर में है। और वो प्रे करते हैं कि लॉर्ड मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए, टेल मी। सैम्यन रैन फास्टर and then before, he did not know what does to happen. His sticks were lying in the heap. He bent down, seized one without knowing why, and ran on farther. He heard the distant whistle and heard the quiet, even tremor of the rails. He could run no farther and came to halt about 600 feet from the awful stop. Then an idea came into his head, literally like a ray of light. Pulling off his cap, he took out a forgotten scarf, drew a knife out of the upper part of his boot, and he crossed himself, muttering, "God bless me." सिर्फ वही, वो अपने नीज डाउन करके गॉड से प्रे कर रहे थे और चुप थे रेल्स के बीच में। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो रेल से 600 फीट दूर थे। उन्होंने अचानक से अपनी कैप निकाली, अपना स्कार्फ निकाला जो कि रेड कलर का था, और अपने बूट के अपर पार्ट में से एक नाइफ निकाला, खुद को क्रॉस किया और उन्होंने बोला, गॉड मुझे बचाइए। ही बरीड द नाइफ इन हिज लेफ्ट आर्म अबाउट द एल्बो, द ब्लड स्पर्टेड आउट flowing in a hot stream. In this he soaked the scarf, smothered it and out, tied it to the stick and hung out the red flag. और उसने अचानक से क्या किया कि अपने आर्म में, लेफ्ट वाली आर्म में उस चाकू को, एल्बो को डाल दिया ताकि रेड कलर का जो स्ट्रीम है, रेड कलर का जो फ्लो है उनके ब्लड का, वो स्कार्फ पे पड़े और वो जो स्कार्फ है वो रेड कलर का हो जाए। और वो फ्लैग को वेव करते हुए वहाँ पर खड़े रहने लगे। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी इन साइड, द ड्राइवर वुड नॉट सी हिम, वुड कम क्लोज अप एंड हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 feet. 600 feet पर ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था और ट्रेन दूर से वो दिख नहीं रहे थे फ्लैग को वेव करते हुए। सैम्यन प्रेस द साइड्स ऑफ द
wound together so as to close it, but the blood flow did not diminish. Evidently, he had cut his arm very deep. His head began to swim. Black spots began to dance before his eyes, and he could not see the train or hear the noise. Only one thought possessed him. I shall not be able to keep standing up. I shall fail and drop the flag. The train will pass over me. Help me, O Lord. जब उन्होंने देखा कि उस wound में से इतना खून नहीं आ रहा है कि उस calf को red कर दे, तब उन्होंने अपने आर्म को और ज़्यादा डीप कट कर लिया, और उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो फ्लैग नीचे गिर जाएगा और ट्रेन मेरे ऊपर से चली जाएगी. लॉर्ड मुझे हेल्प कीजिए. ऑल टर्न बैक ब्लैक बिफोर हिम एंड ही ड्रॉप द फ्लैग, बट द ब्लड स्टेन बैनर डिड नॉट फॉल टू द ग्राउंड. अ हैंड सीज्ड इट एंड हेल्ड इट हाई टू मीट द अप्रोचिंग ट्रेन. द इंजीनियर सॉ इट, शट द रेगुलेटर एंड रिवर्स द स्ट्रीम. द ट्रेन केम टू अ स्टैंड स्टिल. पीपल जंप्ड आउट ऑफ द कार्टिलेजेस एंड कलेक्टेड इन अ क्राउड. दे सॉ अ मैन लाइंग सेंसलेस ऑन द फुटवे ड्रेंच्ड इन ब्लड एंड अनदर मैन स्टैंडिंग बिसाइड हिम विद अ ब्लड स्टेन्ड रैग ऑन द स्टिक. वैसिली स्टेफेंस लुक अराउंड एट ऑल एंड lowering his head in shame, he said, "Bind me, I tore up a rail." और यहीं पर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्लैग नीचे नहीं गिरता. एक और इंसान आता है, उन्होंने उस फ्लैग को पकड़ लिया होता है. इंजीनियर उसे देखता है और ट्रेन को रोक देता है. लोग ट्रेन में से निकलकर जो इंसान नीचे गिरा हुआ था उसके आसपास आ जाते हैं, और वैसिली स्टेफेंस सबको देखते हुए ये अपना हेड लोअर करके बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बाइंड कीजिए, मैंने रेल ट्रैक को टॉर किया था. सो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट्स, एंड विल स्टडी द लेट्स ट्राई क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. Keep studying.